नमस्कार, आप सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम ऐसे पावन पर्व के बारे में चर्चा करेंगे जो न केवल रोशनी का त्यौहार है बल्कि हमारे धर्म, संस्कृति और परंपराओं का भी प्रतीक है। दीपावली का महत्व तो हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश देता है। इस दिन हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपावली का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी होता है? आज हम जानेंगे भगवान राम के साथ दीपावली के संबंध और कुछ अन्य मान्यताओं के बारे में। तो आइए हम इस उत्सव की महिमा को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे यह पर्व हमारे जीवन में खुशियों और सकारात्मकता का संचार करता है। चलते हैं हमारी इस विशेष स्टोरी पैकेज की ओर। दीपावली, जिसे दीपों का त्यौहार कहा जाता है, हर साल कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। लोग इस दिन अपने घरों को दीपों और रंगोली से सजाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियों का आदान प्रदान करते हैं। दीपावली का पर्व सिर्फ रोशनी का त्यौहार नहीं बल्कि समृद्धि और खुशियों का भी प्रतीक है। दीपावली पर देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं जिन्हें धन, समृद्धि और भाग्य की देवी माना जाता है। लक्ष्मी माता का नाम सुनते ही मन में एक विशेष श्रद्धा और प्रेम का अनुभव होता है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जहाँ स्वच्छता और सकारात्मकता होती है। इसलिए इस दिन हम अपने घरों को अच्छे से सजाते हैं और दीप जलाते हैं ताकि माता लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके। माता की पूजा का उद्देश्य केवल धन की प्रार्थना नहीं है बल्कि यह भी है कि हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें। पूजा के समय दीप जलाना और शुभ चीजों का भोग लगाना हमारे मन में सकारात्मकता और आभार की भावना जगाता है। इस प्रकार लक्ष्मी माता की पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन में संतुलन और खुशियों का स्रोत है। इस दीपावली हम सभी मिलकर लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करें। आइए हम सभी मिलकर इस पावन अवसर का आनंद लें और माता लक्ष्मी से आशीर्वाद प्राप्त करें। धार्मिक दृष्टिकोण से दीपावली भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दीप जलाने से रात में ऊर्जा का संचार होता है और यह मच्छरों और अन्य कीड़ों को दूर रखता है। दीपावली का पर्व न केवल धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इस त्यौहार के पीछे कई गहरी बातें छिपी हुई है। धार्मिक दृष्टिकोण से दीपावली का पर्व भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। यह दिन विजय और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। लेकिन इस पर्व का वैज्ञानिक महत्व भी है। दीप जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह न केवल रात के अंधकार को मिटाता है बल्कि मच्छरों और अन्य कीड़ों को भी दूर रखता है। साथ ही दियो की रोशनी से हमारा मन और आत्मा भी रोशन होते हैं। इस प्रकार दीपावली हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाना चाहिए और समाज में खुशियों का संचार करना चाहिए। इस दीपावली चलिए हम इस संदेश को अपनाएं और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं। तो दोस्तों, आज हमने दीपावली के पर्व का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व समझा। यह पर्व न केवल लक्ष्मी माता की कृपा की कामना करता है बल्कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए भी प्रेरणा देता है। भगवान राम के लौटने की खुशी में मनाया जाने वाला यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि जीत हमेशा धर्म की होती है। दीपावली पर हम सभी को चाहिए कि हम अपने घरों को स्वच्छ रखें, एक दूसरे के साथ प्रेम और खुशियों का आदान प्रदान करें। यह समय है एकजुट होकर नई शुरुआत करने का। इस पावन अवसर पर हम सभी एक दूसरे के जीवन में खुशियों का संचार करें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और इस पावन पर्व का आनंद लें।